हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11 स्प्लिट द फॉलोइंग इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज़ द मेजर आर गिवन इन सेंटीमीटर गिवन फिगर है इसको रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है पहले मैं इस टाइप से करके दिखा रही हूं आपको ये टू रेक्टेंगल में स्प्लिट कर दिया है फर्स्ट एंड सेकंड ये फर्स्ट मेथड सबसे पहले फिगर को स्प्लिट करेंगे उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल इसमें लेंथ 10 सेंटीमीटर है और विड्थ ये विड्थ है 2 सेंटीमीटर क्योंकि सभी मेजरमेंट सेंटीमीटर में गिविन है फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ लेंथ की वैल्यू है 10 विड्थ है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर लेंगे टेन टू जर 20 ट्वेंटी स्क्वायर सेंटीमीटर अब एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट का निकालेंगे ये लेंथ की वेन है यहां से यहां तक ये लेंथ है बिथ है 2 सेंटीमीटर एरिया ऑफ द सेकेंड पार्ट इज इक्वल लेंथ 10 सेंटीमीटर बिथ 2 है 10 मल्टीप्लाई टू इज इक्वल ट्वेंटी स्क्वायर सेंटीमीटर अब एरिया ऑफ फिगर का निकालेंगे एरिया ऑफ द फिगर ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी एड कर देंगे ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी इज इक्वल फोर्टी स्क्वायर सेंटीमीटर ये मेथड से इस फिगर को इस टाइप से भी स्प्लिट कर सकते हैं इस टाइप से ये फर्स्ट पार्ट हो गया ये सेकेंड पार्ट हो गया अब एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का निकालेंगे इज इक्वल लेंथ ए होगी और ब्रथ टू सेंटीमीटर होगी ये ब्रिथ लेंगे इसको लेंथ लेंगे फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ विड्थ लेंथ की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर विड्थ की वैल्यू है 2 8 2 16 16 स्क्वायर सेंटीमीटर अब एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट का एरिया ऑफ द सेकेंड पार्ट इसमें लेंथ 12 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर विड्थ 2 सेंटीमीटर लेंगे तो 12 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल इनको प्लस करेंगे वैल्यू कर आ जाएगी फोर्टी स्क्वायर सेंटीमीटर आप इस मेथड से भी कर सकते हैं स्प्लिट करके या फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं स्प्लिट करके दोनों का आंसर सेम आएगा बी पार्ट सबसे पहले फिगर को स्प्लिट करेंगे ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ये सेकेंड ये थर्ड ये फोर ये फाइव इसमें फाइव रेक्टेंगल बने हुए हैं जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल है एक पार्ट का एरिया निकाल लेंगे क्योंकि सभी पार्ट्स इक्वल है यहाँ पर लेंथ भी सेवन सेंटीमीटर है और विड्थ भी सेवन सेंटीमीटर है ये स्क्वायर शेप में है स्क्वायर शेप में स्क्वायर सेप को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं जिसकी लेंथ और इक्वल होती है एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल सेवन है ब्रथ भी सेवन है सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन स्क्वायर सेंटीमीटर सेकेंड पार्ट का भी सेम होगा ऐसे ही फिफ्थ पार्ट का भी सेम होगा एरिया ऑफ द फिगर इस फिगर में फाइव स्क्वायर बने हुए हैं तो फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ फिगर का आ जाएगा तो एरिया ऑफ द फिगर फाइव इंटू फोर्टी नाइन मल्टीप्लाई कर लेंगे फोर्टी नाइन को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से फाइव नाइन जो फोर्टी फाइव फोर कैरी फाइव फोर जो ट्वेंटी ट्वेंटी और फोर ट्वेंटी फोर आंसर आ जाएगा टू हंड्रेड फोर्टी फाइव स्क्वायर सेंटीमीटर ये आंसर हो गया इसको फाइव टाइम्स प्लस करके भी कर सकते हैं भी आंसर टू हंड्रेड फोर्टी फाइव आएगा फाइव से मल्टीप्लाई कर लीजिए वन स्क्वायर के एरिया में सी पार्ट इस फिगर को रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है इस टाइप से कर देंगे ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ये सेकंड पार्ट हो जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल यहां पर ये लेंथ फोर सेंटीमीटर है और ब्रथ वन सेंटीमीटर है फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ की वैल्यू फोर ब्रथ की वैल्यू वन मल्टीप्लाई कर लेंगे फोर बन जाए सेंटीमीटर एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट का निकालेंगे इज़ इक्वल, लेंथ यहाँ पर फाइव सेंटीमीटर है और ब्रथ वन सेंटीमीटर है फाइव मल्टीप्लाई वन इज इक्वल फाइव स्क्वायर सेंटीमीटर सेकेंड पार्ट का एरिया आ गया फाइव स्क्वायर सेंटीमीटर दोनों तो को ऐड कर देंगे एरिया ऑफ द फिगर आ जाएगा एरिया ऑफ द फिगर फोर प्लस फाइव इज इक्वल नाइन स्क्वायर सेंटीमीटर इस वीडियो में फिगर को स्प्लिट करना और उसका एरिया फाइंड करना बताया गया है आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे